हेलो हेलो डियर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान करे आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, सबका ईश्वर कल्याण करे। और ये देखिए, शाम का समय है, मम्मी गई है सब्जी खरीदने। मम्मी भी है, पापा जी भी हैं और बाबू भी है। और ये बगल में जो न्यू मकान था, बहुत पहले से आप लोगों को दिखा रहे थे, ये पूरी तरह से कम्प्लीट हो गया है। तो यहाँ पर गृह प्रवेश है। और यहाँ पर देखिए, बगल में जो नया मकान बन के रेडी हो गया, तो यहाँ पर गृह प्रवेश है। तो यहाँ पर भोज भंडारा होगा, पूजा होगा। तो ये ज़रूर क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैं तो इसको ज़रूर शूट करूँगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे से होता है। और हम लोगों को लगता है शायद ये भी हम लोगों के तरह ही पंडित जी हैं। तो गृह प्रवेश जो होता है, पूरा डेकोरेट होता है, और फिर गाय आगे जाती है, फिर जो जो घर के सदस्य होते हैं, मतलब अच्छे से होता है। और यहाँ पर देखिए, सब्जी लेके मम्मी आ गई है। तो सब्जी को मैं तो बालकनी से ही बैठ के फ़ोन कर देती हूँ क्या लेना है क्या नहीं, बाकी लोग अपने ही मन से लेती है। तो सब्जी यहाँ पर निकाल दी है, और वो तो 8 तारीख से आ ही नहीं रहे हैं हाउस हेल्पर। तो जितना संभव होता है मैं मम्मी को मदद कर देती हूँ, बाकी मम्मी खुद करती है। थोड़ा उम्र भी हो गया है, तो सब कुछ संभव नहीं है कि सारा भार ये ले लेगी। और जिधर आप कपड़ा छोड़ दीजिए उधर कपड़ा जमा हो जाता है, जिधर बर्तन छोड़ दीजिए उधर बर्तन जमा हो जाता है। मतलब हमेशा आपको लगे रहना होता है। और मेरी कंडीशन दिन ब दिन ख़राब ही होती जा रही है, आप समझ सकते हैं। ये 10 जून का है, और 10 जून को ड्यू डेट मेरा था, और आज मैं इतना कुछ कर पाऊँगी, देखती हूँ क्या कुछ कर पाती हूँ। तो यहाँ पर जो साफ किया था, तो मैंने उसी तरह किचन छोड़ दिया था। ये जो बर्तन रखने वाला बास्केट है, उसी में बाकी जितना सामान था मम्मी उठा के रख दी थी। मैंने कहा था रख दूँ मम्मी, बाद में करना, तुरंत नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा किया था। तो ये बास्केट भी बहुत गंदा हो गया, अपने हाथ का किया हुआ काम और दूसरों के हाथ का। वो आती हैं बर्तन वगैरह धोती है, लेकिन इतना डिपली साफ़ नहीं करती है। कहने में भी हम लोगों को लगता है करेगी नहीं करेगी, क्योंकि अभी तो समझ सकते हैं सिचुएशन में 6-7 दिन का छुट्टी लेके रखी है। पैसा भी नहीं काट सकते हैं, क्योंकि वो ये चीज़ समझ रही है कि अभी इसको ज़रूरत है। अब मम्मी पे इतना पड़ जाएगा, एक गर्मी इतना है, इसीलिए मैंने पूरे अच्छे से बास्केट को क्लीन कर दिया। क्योंकि थोड़ा सा भी मेरा मन हल्का लगता है, और काम करते रहेंगे तभी सही रहेगा। तो आगे पीछे अच्छे से बास्केट धो दिया, उसके बाद मैं सारा बर्तन धो दूँगी। शाम का ही लगभग समय है, सब्ज़ी तो लेने मम्मी 3 बजे गई थी, 3 बजे के आसपास सब्ज़ी लेके आई, फिर चाय वाय हम लोग पिए। तो हम तो नहीं चाय पीते हैं, मम्मी ही थोड़ा बनाती, मम्मी थोड़ा कई बार पीती है चाय। अभी तो अब थोड़ा आराम वगैरह किए हैं, झाड़ के पूरा साफ़ करके झाड़ू दिए। झुक तो नहीं पाती हूँ मैं, लेकिन पूरा झाड़ के झाड़ू दिए, क्योंकि वो पोछा करते थे, थोड़ा घर साफ रहता था। और एक न्यू मैंने पोछा ख़रीदा है, उसको मैंने नहीं निकाला है। मैं सोच रही हूँ नए मकान में जाऊँगी तब निकालूँगी, या फिर 2-4 दिन के लिए निकाल दूँगी, फिर वो आएगी काम करने, तो फिर मेरा पोछा वो इसी तरह से भटकेगा। इसीलिए पैक है, तो उसको मैंने पैक ही छोड़ दिया है। तो यहाँ पर कढ़ाई वगैरह देखिए, मतलब साफ़ तो करती है, लेकिन एकदम चकाचक नहीं होता है। तो आज मैंने सोचा इसको साफ़ करूँगी किसी तरह, खटाई वगैरह डाल के। तो और ये शीशे का जो बोतल है, इसको भी साफ़ करूँगी। अचार का है, ऐसे ही रखा हुआ था, 2 बोतल अचार का पुराना हो गया था, उसको मैंने फेंक दिया। और ये प्लास्टिक का एक बोतल है, दीदी दी थी अचार करके। तो ये सब जो है सब मैं धोऊंगी, क्योंकि अब उनके इंतज़ार में इतना दिन नहीं रखूंगी। और शीशे की बोतल का काम बहुत होता है। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी में विनेगर डाल दिया है कढ़ाई को साफ़ करने के लिए, और यही पानी बोतल वगैरह में डाल के बोतल सब साफ़ करूंगी, गैस वगैरह साफ़ करूंगी। तो उधर मम्मी चाय बना रही है, अभी थोड़ा सा मैसी है ये किचन, तो क्योंकि कल मैंने वो पूरा साफ़ किया था, कुछ सामान ऊपर रह गया था, ऐसे करके काम चल रहा है। ये भी अकेला कितना करेगी, थोड़ा सा मदद मिलने पर बहुत राहत मिलती है। तो मम्मी चाय बना रही है, चाय के डब्बे में चाय पत्ती उछल दी, जो बचा है उसको डब्बे में रख देगी। तो डियर, आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, बताइएगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। और अब तो मेरे प्राण इतने संकट में हैं कि एकदम मैं हर दिन हर पल सोचती हूँ भगवान मेरा कल्याण करे, क्योंकि बहुत झाड़ के काम करना चाहती हूँ मैं, मुझे बस यही लगता है काम करूँ किसी तरह से। तो मम्मी इधर चाय बना रही है, मैं इधर बर्तन धो रही हूँ। इतना सा कर दूँगी तो मम्मी को बहुत राहत मिलेगी उसकी। इधर सारा बर्तन धोने के बाद ये दाल चावल सब्जी का था, उसको भी खाली किया,
और ये अचार सबका बोतल था, इसमें अब विनेगर वाला पानी सब डाल के मैं साफ कर लेती हूँ सारा बर्तन। और 10 तारीख को जैसे कि आप लोग पूछ रहे थे कि ड्यू डेट था तो क्या हुआ, तो डॉक्टर से दिखाया था तो उन्होंने कहा कि एक बार अल्ट्रासाउंड करा लीजिए क्योंकि बच्चा उल्टा था बेबी। तो अल्ट्रासाउंड मैंने 10 जून को ही कराया है, यानी कि आज के ही दिन कराया है, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो क्या आया रिपोर्ट, क्या हुआ नहीं हुआ, मैं आगे बताने का प्रयास करूँगी, नहीं बता पाई तो नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी डियर। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तन को धो लेती हूँ, कढ़ाई वगैरह साफ कर लेती हूँ। और आज हरी सब्जी तो बहुत सारा है, लेकिन फिर भी आज इन्होंने कहा था कि आज आलू चना की सब्जी बनानी है। तो जब ये दिन में खाना खा रहे थे, दिन में भी हरी सब्जी बनी थी, जिन्होंने कहा था कि आज आलू चना बनाना है। उसके बाद 2-3 बजे सब्जी हम लोगों ने ख़रीदा, लेकिन अब बोल दिए थे, चना भी भिंगो दिया है, आलू भी मैंने यहीं पर धोकर मम्मी को दे दिया कि लगे हाथ सेट ही कर दो चाय बनाने के बाद, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। और चना भी मैं यहाँ धोकर मम्मी को दे देती हूँ। फिर मैंने मम्मी को कहा कि तुम रोटी बना लो मम्मी, और सब्जी मैं बनाने का प्रयास करूँगी क्योंकि आज मम्मी का एकादशी भी है, तो इसीलिए मैंने कहा मैं सब्जी बना लूँगी, तुम रोटी बनाओ। बोलती हूँ मैं, लेकिन ठीक रहता है, फिर मैं कर लेती हूँ, देखती हूँ मैं आगे बना के मम्मी को कोई मदद कर पाती हूँ या नहीं। मम्मी तो बोल रही थी, काम नहीं करने देती, वो किचन में अगर रहती हूँ तो किचन में लगी रहती है, मत करो मत करो, लेकिन सच बोलिए तो मुझे बैठा हुआ एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और जब मुझे कोई परेशानी नहीं होती, हल्का फुल्का होता है, तो फिर मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटती हूँ, मैं बोलती हूँ नहीं, जब मैं नहीं कर पाऊँगी तब तो तुम हो ही, अभी मुझे करने दो। तब देखती हूँ मैं सब्ज़ी बना पाती हूँ या नहीं। तो यहाँ पर मैं पूरा शीशा का बोतल वगैरह सब कुछ धो लूँगी, गैस वगैरह सब कुछ पोंछ लूँगी। और इस प्रेगनेंसी पीरियड में गर्मी बहुत लगती है, पूरा पसीना से मैं भींग गई हूँ, परेशानी तो थोड़ा होता है। ये बाल वगैरह कुछ भी झाड़ने वाड़ने का मन नहीं करता है। यहाँ पर मैंने सारा बर्तन धो लिया है, कुछ पहले जो प्लेट वगैरह धोया था उसको लगा भी दिया था, जो आप लोगों को दिखाए नहीं, उतना बड़ा वीडियो हो जाता है इसीलिए। तो यहाँ पर पूरा मैंने साफ़ कर दिया, ये घी का डब्बा इसको भी साफ़ करना है, लेकिन मैंने छोड़ दिया है, तुरंत उतना लगातार खड़ी होकर नहीं कर पाऊँगी। और ये सब जो सामान आया है वो सब है, कुछ रखी हूँ, कुछ बाहर रह गया है डब्बे में रखना है, कुछ डब्बे भी खुद से धो रही हूँ। और अच्छे से अब पूरा किचन धो लूँगी नीचे, क्योंकि पूरा किचकिच हो गया है। तो किचन वगैरह धोने के बाद मम्मी बालकनी में बैठ के चाय पी रही थी, किचन वगैरह धोने के बाद फिर मैं बालकनी में बैठने चली गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लाइट भी कट जाती है बार बार, तो लाइट में हमेशा पंखा भी अच्छा नहीं लगता, नेचुरल हवा थोड़ा अच्छा लगता है। और इसीलिए बालकनी में बैठ गई थी, क्योंकि वो जो डेकोरेशन सब हो रहा था देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी, पूरा किचन साफ़ कर दिया, मम्मी को कहा कि अभी तो थोड़ा देर तुम भी मत जाओ किचन, सूखने दो, और एक वाइपर से फिर इसके झाड़ू के बाद फिर वाइपर से मैं पोंछ दूँगी। उसके बाद मम्मी बोली ठीक है अब तुम थोड़ा सा बैठो, मैं रोटी बना लेती हूँ। उसके बाद क्योंकि फिर वो सब्जी वगैरह का कढ़ाई हो जाता तो मम्मी उस गैस में कैसे बनाती, क्योंकि आज एकादशी का व्रत है। मम्मी को मैंने कहा आज मैं अगर सब्जी बना पाई तो तुम खा नहीं पाओगी, बोली कोई बात नहीं सुबह की रख देना। और यहाँ पर आलू भी बॉयल हो गया है, मम्मी आटा भी मिला रही है बालकनी में बैठ के, ये हम लोग परथन कहते हैं, जो चकला पे रखा हुआ है। और यहाँ मम्मी का रोटी बनने लगा है, और मैं बालकनी से ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। आलू बॉयल हो चुका है, चना धो दिया है, चना बॉयल नहीं करूँगी, और बिल्कुल छोले किस्म का आज सब्ज़ी बनाऊँगी। और जो हरी सब्ज़ी लिया है वो भी रखा हुआ है, उसको भी नहीं धोया है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर में बहुत सारा डब्बा है, अब देखिए 5-6 दिन से नहीं आ रही है, तो उनको भी चाहिए 2-4 डब्बा करके धो दें, अब देखते हैं धोती है या धोने में आनाकानी करती है, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। और अस्पताल गए थे हम, मम्मी और ये तीनों, तो हम लोग तो गाड़ी से गए थे, अब बाइक से जाना संभव नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गया है, शाम में रिपोर्ट आएगा,
तो आप लोग को ज़रूर बताएंगे क्या अपडेट है। और यहाँ मम्मी रोटी बना रही है, उसके बाद मम्मी बोली तुम्हारे हाथ का पतला पतला पराठा खाने का मन करता है। मैंने कहा मैं बना दूँगी, लेकिन नहीं बना पाई। फिर मम्मी अपने बना ली और आलू जो बॉयल की थी थोड़ा सा आलू का भुंजिया फ्राई कर ली। उसके बाद अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ सब्ज़ी में छौंक लगाने, तो मैंने ही ये प्याज काटा है, टमाटर काटा है, आलू मम्मी पूरा छील दी थी उसको भी काट दी थी, और यहाँ चना रखी हूँ। तो यहाँ इधर सब्ज़ी में छौंक भी लगाते जाऊँगी, उधर सब्ज़ी भी धोते जाऊँगी, क्योंकि सिर्फ लेने से नहीं होता है, लिया है तो उसको धोना है, फिर पूछना है, फिर रखना है, और फिर से फ्रिज थोड़ा गंदा हो गया है तो फ्रिज भी साफ करना है। मतलब एक काम करिए, दो तीन दिन बाद फिर उसी काम को रिपीट करिए, तो करना ही पड़ता है। तो इधर मैं सबसे पहले, और इस तरह से जो मैंने बनाया था ये चना की सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी, थोड़ा सा बिना रस वाला निकाल कर बाबू को खिलाया था और मैंने भी खाया था, इतना अच्छा लगा था खाने में। तो यहाँ पर मैं सब कुछ धो के इस टोकरी में रखते जाऊँगी, धनिया पत्ती है और सब, छुरी को भी मैंने एक साथ साफ कर लिया था। तो अभी यहाँ पर मैंने बस पहले प्याज को छौंक लगा दी, प्याज थोड़ा हल्का सॉफ्ट होगा फिर टमाटर डालूँगी, नमक हल्दी बिल्कुल नहीं डालूँगी। उसके बाद जब ये सब सॉफ्ट हो जाएगा फिर चना डालूँगी और लहसुन बाद में कूट कर डालूँगी, लहसुन भी छील कर रख लिया है मैंने। तो जितना डियर संभव होता है उतना मैं मम्मी का मदद करती हूँ, फिर तो इसको करना ही पड़ेगा, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाऊँगी। अभी तो मेरे प्राण इस तरह से संकट में हैं कि ना आराम कर पा रही हूँ, ना काम कर पा रही हूँ, हर स्थिति में मतलब कि है। लेकिन अल्ट्रासाउंड का अब देखिए रिपोर्ट, यहाँ पर मेरे पिताजी थे पानी लेने आए थे, तो यहाँ पर सब सब्ज़ी को धो भी रही हूँ, दो तीन हरी मिर्च भी काट लिया है, इसमें दे दूँगी सब्ज़ी में। और यहाँ पर मेरा चना प्याज टमाटर सब फ्राई हो गया है, इसमें मैंने आलू डाल दिया। अब नमक हल्दी डालकर इसको ढक दूँगी, और जब नमक हल्दी वाला भी थोड़ा पक जाएगा तो मसाला मम्मी प्लेट में निकाल दी है, उसमें पानी डाल के भिंगो लूँगी, और उसके बाद थोड़ा सा मसाला पानी वाला ही इसमें डाल के और इसको ढक के रखूँ, ढक दूँगी ताकि चना सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि चना को मैंने कुकर में सीटी नहीं लगाया। और यकीन मानिए इतना टेस्टी ये सब्ज़ी बना था, मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना टेस्टी बनेगा। और लहसुन को कूट कर ही दूँगी, थोड़ा धनिया पत्ती काट लूँगी। तो देखिए आज मेरा डिलीवरी डेट था और मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो भगवान जब पलक खोलेंगे तभी, जब उनकी दया होगी तभी सब कुछ संभव है डियर। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप लोगों का बस दुआ चाहिए। आप लोग अपनी दुआ बनाए रखिए मेरे लिए, और आप लोगों का भी ईश्वर कल्याण करे। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, सबके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनको ईश्वर संकट से बचाए, उन पर कोई भी तरह की कोई विपत्ति ना आए। और यहाँ पर मैंने मसाला वगैरह डाल दिया है, अब इसको मैं कम करके बिल्कुल 10 मिनट तक छोड़ दूँगी, जिससे कि चना पक जाए। बीच बीच में चलाते रहूँगी और जब ये पक जाएगा तो उसमें रस वगैरह डाल दूँगी। और ये देखिए उसके बाद सारा मैंने रेडी करके यहाँ छोड़ दिया है धीमी आँच पर, वो अब पकेगा। और ये देखिए मैं रात में आपको दिखा रही हूँ यहाँ का सीन, लाइट वगैरह सब लग गया, अब झालर वगैरह लगेगा और गेट भी अच्छे से सज गया है। रात का मैं आपको सीन दिखा रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत खुशी होती है यार। दूसरे की खुशी देखकर अगर आप खुश होते हैं तो भगवान आपकी झोली में भी खुशियाँ देती है। उसके बाद खाना पीना सब कुछ बन गया है, और ये अभी तुरंत ऑफिस से आए हैं सामान लेकर के। मैंने कहा था आधा ग्रॉसरी का सामान लाए, आधा नहीं, तो मैं ये एक चादर था जो कि फाड़ दिया है, दो भागों में बांट दिया, एक ट्रंक पर बिछाया है, एक रखी हूँ ये सब्ज़ी सब सुखाने के लिए। तो मम्मी को कहा कि अब सब्ज़ी का पानी हो गया होगा, नीचे गिर गया होगा, इस पर सारा सब्ज़ी डाल दो। तो मम्मी इस पे सारा सब्ज़ी डाल रही है, उसके बाद फिर देखूंगी ये क्या कुछ लाए हैं सामान। सामान भी ग्रॉसरी का बड़ा परेशानी होता है, जिस दुकान से लेते हैं उस दुकान में पूरा होता नहीं, और अंदर जाके खुद से लेना पड़ता है। मैंने कई बार आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया है, लेकिन अभी मेरी वो कंडीशन नहीं है कि मैं जाके ले पाऊँगी, तो ये सीधा सीधा मॉल चले जाते हैं।
और वहीं से जाके लेते आते हैं, जो कि काफ़ी महंगा पड़ता है, कम से कम डेढ़ गुना ज़्यादा इसका कॉस्ट लगता है। लेकिन अब जैसे समय कट रहा है, देखते हैं नेक्स्ट मंथ से हम ही लाएंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा, या फिर नेक्स्ट मंथ से, जुलाई से नहीं तो अगस्त से तो ज़रूर लाएंगे। और यहाँ पर सारा सब्ज़ी मम्मी पंखा में रख दी, मैं रात भर इसको इसी तरह छोड़ दूँगी। यहाँ पर मेरे पिताजी हॉल में सोते हैं तो पंखा चलेगा, तो इस तरह से। और टमाटर तो बहुत महंगा दिया, 80 रुपया किलो दिया टमाटर, बहुत ही महंगा। और इतनी सा धनिया का पत्ती 10 रुपये का, और बाकी हरी सब्ज़ी सब तो सस्ता है। यहाँ पे बाबू सारा सामान निकाल रहा है। मैंने इस बार हींग का बहुत बड़ा डब्बा मंगाया है, क्योंकि अरहर के दाल में भी अब हींग डालकर खाने लगी हूँ, जिससे कि गैस ना बने, और हींग तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से फिर बाबू ने सारा सामान निकाला, फिर मम्मी आई, मैंने चिट्ठी से सारा सामान मिला लिया है, जो भी मैंने स्लिप बनाया था कल के वीडियो आप लोगों ने देखा था, मैंने स्लिप्स बनाया था, सब कुछ मिला लिया, सब कुछ आ गया है, सारा सामान आ गया है, अब कुछ बचा नहीं है। तो डियर, अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। अब यहाँ पर सब कोई खाना पीना खाएगा, और फिर कल मिलेंगे आप लोगों से 11 जून को, देखते हैं मेरी क्या कंडीशन रहती है। आज तो 10 जून निकल गया, रात भर में देखते हैं क्या कंडीशन होता है, तो ज़रूर आप लोगों को अपडेट कराएंगे। और अल्ट्रासाउंड में क्या आया है रिपोर्ट, आप लोगों को उससे भी रूबरू करवाएंगे डियर। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में, बने रहिएगा इस चैनल के साथ। बहुत कुछ दिखाने वाले हैं डियर, थोड़ा घर से बाहर निकलने लगेंगे तब फिर दिखाएंगे। मुझे अस्पताल वगैरह का बनाने में ठीक नहीं लगता है, इसीलिए मैं नहीं बनाती हूँ। तो चलिए डियर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल। जो नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना कमेंट कीजिएगा।